जो बात चलती है फिर वो ये आती है दोस्तों कि हमारा जो बर्थडे वो कितने दिन में 1 किलो का होगा उसी के साथ दोस्तों हमें को कितना मुनाफा देगा। दोस्तों सबसे पहले तो सीधी बात ये होती है कि जैसे आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें जो कि हमारे फार्म भाई बताते रहते हैं कि समझ लीजिए कि भाई की जो कॉकरेल बर्ड है वो 90 दिन में 1 किलो का आता है, कोई फार्म भाई बोलता है कोई 60 दिन में हो रहा है, कोई भाई भाई बोलता है 70 दिन में। तो दोस्तों ये जो बात रहती है डिपेंड नहीं करता कि हमारा वेट जो परफेक्ट इसी दिन को पूरा होगा। दोस्तों जो अपना जो समझ लीजिए वेट जो डिपेंड करता है दोस्तों वो जो रहता है उसका जो मेन मुद्दा जो रहता है फीट पर रहता है। क्या होता है दोस्तों जैसे अपन मुर्गी पालन में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है समझ लीजिए दोस्तों अपन ने अगर अपने फार्म में एक चूजा लाए तो चूजा लाने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि उससे हमको जब तक वो 1 किलो का नहीं होता तो उससे हमको 3 अलग अलग प्रकार के फीड यानी जो दाना खिलाना पड़ता है। तो क्या होता है दोस्तों तीनों जो फीड होते हैं तो तीनों फीड तो अच्छे क्वालिटी के है लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती है दोस्तों उससे भी कोई हल्का वाला रहता है कोई एकदम हेवी रहता है, यानी कि दोस्तों सब में अलग अलग फीड रहता है। यानी कि दोस्तों समझ लीजिए जो सबसे लो फीड रहेगा उसका जो दाम है सबसे कम रहेगा, जो सबसे अच्छा फीड रहेगा उसका दाम इससे ज्यादा रहेगा। तो क्या होता है दोस्तों जो हमारे बहुत से फार्मर भाई रहते हैं वो पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं कोई अच्छा फीड यूज करता है, कोई दोस्तों समझ लीजिए कोई लो समझ लीजिए लो बजट वाला यूज कर रहा है तो उससे वेट का उनका ये होता है कि जैसे अपन अगर परफेक्ट अगर मानते चले कि अगर हमारा 70 दिन में कॉकरेल तैयार हो रहा है तो दोस्तों सब ये गलत बात है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने बर्ड को कौन सा दाना खिला रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों अगर आप फार्मिंग करने का सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आप करिए, लेकिन दोस्तों आप शुरुआत में कम पाले यानी कम से शुरुआत करिए और दोस्तों अभी जब आपकी ब्याच आए तो उसे अच्छा से अच्छा दाना खिलाइए। क्या हुआ दोस्तों अगर आप अच्छा से अच्छा उसको अपना फीड खिलाएंगे दाना खिलाएंगे तभी आपका जो एवरेज वेट है वो अच्छी तरह से आएगा, आपको बीमारी आने के चांसेस नहीं रहेंगे और अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आज का जो वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। यानी कि दोस्तों जो अपन बोलते हैं कि हमारा मुर्गा जो 70 दिन में तैयार हो जाता है 90 दिन में सब गलत बात है दोस्तों, ये आपके फीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना बेहतरीन तरीके से फीड दे रहे उसी पे दोस्तों आप लोगों का वेट जो है वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों जल्दी आएंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल से जुड़े रहिए, आपको पोल्ट्री के बारे में एक-एक जानकारी मिलती रहेगी।